मिली है और हम केंद्र का आभार मानते हैं। देर वॉज शॉर्टेज ऑफ रेमडेसिविर इन द कंट्री एंड सेंटर हैज टेकन अ डिसीजन गिविंग अलॉटिंग कोटा टू द एवरी स्टेट। वी गॉट अ कोटा ऑफ 26,000 पर डे एवरेज बाय द सेंटर। वी रेज द क्वेश्चन, वी डिमांडेड दैट इट शुड बी इंक्रीज। यस्टरडे सम कोटा हैज बीन इंक्रीज, इट विल बी गोइंग समवेयर 39,000 to 40,000 पर डे। डेफिनेटली वी नीड मोर 10,000 पर डे रेमडेसिविर इंक्रीज। इफ इट विल बी गिवन द एंटायर महाराष्ट्र विल गेट रेडी। द कोटा हैज बीन इंक्रीज, वी आर थैंकफुल टू द सेंटर। Yesterday, Linden oxygen plant has been shut down due to technical problem. More than 100 KL production has been reduced. Definitely, a shortage will be there, but the FDA is managing. From other districts, some quota will be allowed to the Mumbai city. But reduction of 100 KL is definitely creates some kind of a scarcity. We demand from the center that during this scarcity they must allot some quota from other producer states to manage the entire state of Maharashtra. Definitely we are hopeful the center will help. We are assisting the producer company to restart as soon as possible, or we are hopeful that it will be started early. The best they are trying to start the plan. पवार साहेबांच्या गॉल ब्लेडरच्या ऑपरेशन झाल्यानंतर फॉलोअपसाठी त्यांना पुन्हा ब्रिज कँडी हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आला होता। त्या चेकअपच्या दरम्यान तोंडात एक लहान अल्सर सापडल्यानंतर ते काढण्यात आलेलं आहे। त्यांची प्रकृती आता उत्तम आहे आणि काही दिवसांनी पुन्हा तपास झाल्यानंतर त्यांना डिस्चार्ज करण्यात येईल। सध्या ते कोविडच्या बाबतीत हॉस्पिटलमधून सगळा आढावा घेत आहे आणि जिथे जिथे काही पक्षाच्या नेत्यांना मार्गदर्शन करायचे असेल तिथूनच ते हॉस्पिटलमधून माहिती घेऊन सगळ्यांना आदेश देत आहे। नवी मुंबई के लिंडे ऑक्सिजन प्लांट में कुछ तांत्रिक बिगाड़ के कारण वहाँ की ऑक्सीजन निर्मिति बंद हो गई है। निश्चित रूप से 105 टन की निर्मिति बंद होगी तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। महाराष्ट्र का FDA पूरी तरह से इस कमी को कैसे एडजस्ट करके पूरा करे प्रयास कर रहा है। खास करके मुंबई को वहाँ से सप्लाई आती थी। हम केंद्र से भी मांग करते हैं कि इस कमी को पूरा करने के लिए वो भी हमें सहयोग करे ताकि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत ना हो पाए। और हमारा प्रयत्न रहेगा कि प्लांट को जल्द से जल्द रिवाइव करने के लिए कंपनी को सहाय करें और जल्द से जल्द वहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो, हम प्रयत्न करेंगे। उनका चेकअप होगा और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। मिस्टर पवार वॉज एडमिटेड इन ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल आफ्टर गॉल ब्लेडर ऑपरेशन। For follow-up, he was taken to the hospital. During that follow-up, one ulcer has been detected in the mouth and it was cleared by the doctor. Now he is feeling well, taking rest in the hospital. Even he is taking stock of the COVID situation in the state of Maharashtra. After some days, the checkup will be done and he will be discharged from the hospital. याबाबतीत आम्ही केंद्राचा आभार मानतोय। महाराष्ट्र में जिस तरह से रेमडेसिविर को लेकर केंद्र सरकार ने अलॉटमेंट कोटा किया था 10 दिनों के लिए, जिसमें एवरेज हमें 26,000 का कोटा दिया गया था, हम 34,000 इस्तेमाल कर रहे थे। हमने और मुख्यमंत्री ने मांग की कि कोटा बढ़ाया जाए। केंद्र ने कुछ हद तक उसमें बढ़ोतरी की है, लगभग 39-40 हज़ार प्रति दिवस के हिसाब से उपलब्ध हुआ है।
हमें और 10,000 प्रति दिवस के हिसाब से ज़रूरत है। लगभग 80-90 हज़ार का कोटा 30 तारीख तक बढ़ाया जाए हम मांग करते हैं। लेकिन जो भी कोटा बढ़ाया गया कुछ हद तक उससे राहत मिली है और हम केंद्र का आभार मानते हैं। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों में ऐलान किया था कि 18 वर्ष से ज़्यादा के नागरिकों को भी टीकाकरण लगाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि 18 साल से ऊपर और 45 साल के नीचे के जो नागरिक होंगे उनका टीकाकरण ये राज्य सरकारों को करना होगा, जिसकी वजह से सीरम इंस्टीट्यूट ने अपने दाम का ऐलान करने का काम किया। 150 रुपया केंद्र के लिए, 400 रुपया राज्य सरकार के लिए और 600 रुपया आम नागरिकों के लिए। अब कहीं तो कोवैक्सीन के भी दाम का ऐलान अभी कंपनी ने कर दिया है, भारत बायोटेक ने। उन्होंने 600 रुपया राज्य सरकारों को, 1200 रुपया नागरिकों को और 150 रुपया केंद्र सरकार का ऐलान किया है। पिछले कैबिनेट में इस विषय पे हमारी चर्चा हुई थी। उस समय एक मत हुआ था कि महाराष्ट्र के सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 से 45 के बीच में है, सरकार अपने पैसे से लोगों को टीका लगवाएगी। अब दाम सामने आ गए, लेकिन कल ही उप मुख्यमंत्री जो हमारे वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम ग्लोबल टेंडर फ्लोट करके जो अच्छा टीका होगा सस्ते में हमें देगा, क्योंकि अगर दो दो लगाए जाए तो लगभग हमको 14-15 करोड़ वायल खरीदने होंगे। हम जागतिक टेंडर बुला के खरीदी करेंगे और पूरे महाराष्ट्र के नागरिकों को जल्द से जल्द टीका लगाकर कोविड को महाराष्ट्र से मुक्त कराने का काम करेंगे। लास्ट फ्यू डेज अहेड सेंटर हैज डिक्लेयर देयर अबव 18 ईयर्स सिटीजन आर अलाउड टू वैक्सीनेटेड, बट दे हैड सेड अबव 45 ईयर द वैक्सीनेशन विल बी डन बाय द सेंटर एंड बिलो 45 अप टू 18 विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। एंड दैट्स वाई सीरम हैज अनाउंस देयर रेट्स। दे अनाउंस द रेट फॉर सेंटर इज 150 रुपीज, स्टेट 400 रुपीज एंड प्राइवेट हॉस्पिटल विल चार्ज 600 रुपीज। भारत बायोटेक ऑल्सो हैज अनाउंस देयर प्राइजेज 150 फॉर द सेंटर, 600 फॉर द स्टेट एंड 1200 फॉर द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। डेफिनेटली इन द लास्ट कैबिनेट द इशू वॉज डिस्कस दैट हाउ टू गो अहेड विद द वैक्सीनेशन एंड देर वॉज अ कंसेंसस बिटवीन द मिनिस्टर दैट वी हैव टू गिव फ्री वैक्सीनेशन टू द पीपल ऑफ महाराष्ट्र एंड वी आर प्लानिंग। यस्टरडे डेप्यूटी सीएम एंड फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड वी विल प्रोक्योर मोर देन 14 करोड़ वैक्सीन एंड अ ग्लोबल टेंडर विल बी फ्लॉटेड, द बेस्ट एंड चीप सप्लायर विल बी गिवन द कॉन्ट्रैक्ट एंड द प्रोसेस हैज बीन स्टार्ट and we will procure as early as possible and we will vaccinate entire population of Maharashtra, the guideline given by the center. पवार साहब की गॉल ब्लेडर के ऑपरेशन के बाद फिर से उन्हें अस्पताल ले जाया गया था चेकअप के लिए। उस चेकअप के दौरान मुंह में एक अल्सर डिटेक्ट हुआ, उसका अल्सर निकालने का काम डॉक्टर ने किया है। अभी उनकी तबीयत ठीक है और वो कोविड परिस्थिति की जानकारी अस्पताल से ही लोगों से ले रहे हैं और जो आदेश देना है नेताओं को कार्यकर्ताओं को वो देते हैं। जल्दी पुनः उनका चेकअप होगा और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। केंद्रा ने जी नीति जाहीर केलेली आहे की 1 तारखेपासून देशामध्ये 18 वर्षापेक्षा जास्त लोकांना वैक्सीन लावण्याची परवानगी त्यांनी दिलेली आहे। पण 18 से वर्षे जे लोक आहे
45 च्या खालचे लोक आहेत त्यांना केंद्र हे कुठेतरी वॅक्सिनचा पुरवठा करणार नाही हे स्पष्ट आहे. त्याच दरम्यान कोविडशिल्ड असेल त्यांनी पण सांगितलेलं आहे की आम्ही केंद्राला 150 देऊ, राज्यांना 400 रुपये देऊ आणि खाजगी लोकांना 600 रुपये किंमत राहील. कोव्हॅक्सिनची पण किंमत कुठेतरी 600 राज्यांना आणि 1200 रुपये कुठेतरी खाजगी लोकांना असा त्यांनी पण किंमत जाहीर केलेला आहे. मागच्या कॅबिनेटमध्ये या विषयावर चर्चा झाली होती, सर्वांमध्ये एक मत झाला होता की कुठेतरी आपण आपल्या या राज्यातल्या प्रत्येक नागरिकांना मोफत लवकरात लवकर वॅक्सिन द्यायचं आहे. त्याबाबतीत मुख्यमंत्रीचा होकार होता. उपमुख्यमंत्री महोदयांनी कालच जाहीर केलेलं आहे की या महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक नागरिकाला 18 वयोगटाच्या वरचं आहे आम्ही मोफत त्यांचा वॅक्सिनेशनचा कार्यक्रम घेऊ आणि लस खरेदीसाठी जागतिक टेंडर बोलून जे चांगलं लस असेल स्वस्त दरात आम्हाला उपलब्ध करून देईल. महाराष्ट्र सरकार आपल्या तिजोरीतून हा कार्यक्रम हाती घेणारच आहे आणि लवकरच लवकर त्याबाबतीत टेंडर काढण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये कुठेतरी लसीकरणाचा कार्यक्रम थांबल्यासारखंच झालेला आहे. बऱ्याच ठिकाणी 45 आणि त्याच्या वरचे जे नागरिक आहेत त्यांच्या लसीकरणाचा कार्यक्रम चालू असताना केंद्राकडून कुठेतरी पुरवठा कमी पडते, त्यामुळे ठिकठिकाणी लसीकरणाचा कार्यक्रम थांबलेला आहे. आमची मागणी आहे कुठेतरी केंद्राने जे ठरवलेलं आहे की 45च्या वरची जी लोकं असतील त्याला केंद्र सरकार कुठेतरी लसीकरण पुरवतील. महाराष्ट्रामध्ये रजिस्ट्रेशन जास्त प्रमाणात होत आहे, जास्त जास्त लसीकरण केंद्राने पुरवठा केला पाहिजे जेणेकरून कुठेतरी आम्ही लोकांना वॅक्सिनेट करू. महाराष्ट्र में 45 साल से ऊपर के लोगों का जो टीकाकरण का कार्यक्रम था कहीं ना कहीं वैक्सीन ना उपलब्ध होने के कारण बहुत सारे सेंटर हमारे बंद हो गए. हम मांग करते हैं कि केंद्र जल्द से जल्द जो पूरा उनका स्टॉक है वो हमें मुहैया कराने का काम करे ताकि 45 साल के ऊपर के जो सिटीजन हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है हम जल्द गति से वैक्सीनेशन करें. हम मांग करते हैं कि केंद्र जल्द से जल्द हमें वैक्सीन उपलब्ध कराए. केंद्र सरकार ने देशभरासाठी रेमडेसिवीरचा वाटपचा आदेश काढल्यानंतर आम्ही लोकांनी कुठेतरी तुलनेत जे आमच्याकडे ॲक्टिव्ह पेशंट आहे हे आम्हाला साठा कमी पडणार आहे. आता कालच केंद्राने त्याच्यात वाढ केलेलं आहे, म्हणजे जवळपास 26,000 प्रतिदिवस आम्हाला जे ऑलोकेशन करण्यात आला होता त्याच्यात आणखीन वाढ झाल्यानंतर जवळपास 40,000 वायल्स पर डे एव्हरेज आम्हाला 10 दिवसासाठी भेटणार आहे. याच्यातून कुठेतरी जे तुटवडा निर्माण झालेला आहे काही प्रमाणात कमी होईल. आणखीन 10,000 वाढून दिलं तर आम्हाला वाटते की महाराष्ट्रामध्ये कुठलीही अडचण राहणार नाही. त्याबाबतीत मुख्यमंत्री महोदय सरकारकडून केंद्राला तकादा करण्यात आलेला आहे आणि जे कोटा वाढवण्यात आलेला आहे त्याबाबतीत आम्ही केंद्राचा आभार मानतो. अबाव 45 इयर सिटीजन वेअर गिवन फ्री वॅक्सिनेशन फ्रॉम द सेंटर. द एन्टायर प्रोग्राम वॉज देअर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. Due to the short supply of the vaccination by the center, many of the center are shut down. People are waiting, they had registered. We demand that they should provide vaccine as early as possible so we can make this drive more powerfully and more people can be vaccinated in the state of Maharashtra.